सोलन नगर निगम के लिए जो परिसीमन किया गया है उसकी वजह से जहां एक और बार्डो में रहने वाले मतदाताओं की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं बार्डो से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का भी समीकरण प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से भाजपा हो या कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि लगातार अपनी आपत्तियां उपायुक्त सोलन के पास दर्ज करवा रहे हैं ताकि वार्डों के परिसीमन से जो परेशानियां शहरवासियों को हो रही हैं उसे कम किया जा सके। आज भी शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने उपायुक्त सोलन केसी चमन से मुलाकात की और वार्डों के परिसीमन से उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिस पर उपायुक्त सोलन को पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वही दिवाली के समय में लगने वाली पटाखों की दुकानों के बारे भी जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने बताया कि वार्डों के परिसीमन से ज्यादातर शहरवासियों को अपने स्थायी पते बदलवाने पड़ेंगे, इसलिए उपायुक्त सोलन केसी चमन को बाढ़ परिसीमन पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया है, जिस पर उन्हें उपायुक्त द्वारा आश्वासन मिला है कि वे जल्द ही इसमें जो बदलाव संभव है वे करेंगे ताकि शहरवासियों को किसी भी तरह से असुविधा ना हो। अंकुश ने कहा कि दिवाली के समय ठोडो मैदान में पटाखे की दुकानें लगती थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इस बारे में भी उन्हें अधिसूचना जारी करने का निवेदन किया गया। इस मांग पर भी उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आज शहरी कांग्रेस सोलन कुछ बातों को लेकर सोलन जिलाधीश महोदय से मिली और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने सभी समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से सुना और उसका निवारण भी किया। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे बीच में आया भी था और मीडिया के माध्यम से हमने ये बात प्रशासन के ध्यान में लाई थी कि जो वार्डों की संख्याओं के नाम बदल दिए गए हैं उससे सभी को अपने एड्रेस और स्थायी पतों को चेंज कराने की चिंता होने लगी थी और मुसीबत हो गई थी, परंतु अभी अभी जो हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वार्डों की संख्या वही रहेगी जो पहले थी और हमें लगता है कि वो इस समस्या को ध्यान से समझेंगे और जितना कम हो सके उतने कम लोगों के जो है वो एड्रेसों को चेंज किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आपको बताए दिवाली आने वाली है, हर वर्ष दिवाली पर हमारे सोलन के व्यापारी ठोडो ग्राउंड, चंबा घाट, रबौन या अन्य कई स्थानों पर पटाखों के स्टॉल लगाते थे जिसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई थी, परंतु अभी हम जिलाधीश महोदय से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी नोटिफिकेशन भी जो है वो आज कर दी गई है, तो उसके लिए भी हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और आने वाले कल भी हम शहर की कई और ऑब्जेक्शंस वार्डों से रिलेटेड समस्याओं को लेकर जिलाधीश महोदय से शहरी कांग्रेस फिर एक बार रूबरू होगी।